मैं हूँ अलिभा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और जो कि सबको ही बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। सो फ्रेंड, वो है चिकन दम बिरयानी। आज मैं आपको चिकन दम बिरयानी बना के दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा मेहनत जरूर लगता है, बट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ वो रेसिपी। हम लेंगे 1 kg बिरयानी राइस। इसको मैं पानी में अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए, मैं पानी डाल के इसे अच्छे से धो लूँगी। फिर हम इसे 2 मिनट के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे और फिर बाकी की तैयारी करते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया है, इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, फिर मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, फिर मैं ये डाल रही हूँ कर्ड यानी कि दही। अब मैं इस सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने धनिया का पत्ता और पुदीने का पत्ता को डाला है, और ये मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी आधा चम्मच डाल के इसमें मैं अब मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैं छोड़ दूंगी फ्रिज में 5 मिनट के लिए। फिर हम कढ़ाई गरम कर लेंगे चिकन को बनाने के लिए। ये मैंने तेल डाल लिया है। अब मैं इसमें जीरा डाल ली हूँ। अब मेरा जीरा रेडी है, तेज पत्ता। फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी तेल में। ये देखिए, मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसे पतला साइज में काट लिया था। इसको मैं डाल दूंगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हमने चिकन जब मैरिनेट किया था तब भी हमने उसमें नमक डाला था। सो फ्रेंड, हम सब्जी बनाते वक्त थोड़ा कम नमक डालेंगे, वरना सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाएगा। अब मेरा मसाला अच्छे से भून लिया है मैंने। अब मैं इसमें मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। ये देखिए, फिर इसको मैं अच्छे से मसाले के साथ चिकन को भून लूंगी। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और उसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए, मेरा चिकन को मैं अच्छे से उसमें मिक्स कर लूंगी और इसे हम ढक के पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ये मेरा 10 मिनट हो गया है और चिकन का जितना भी पानी था वो रिलीज हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से फिर से मिला लूंगी। मैं अपने चिकन को, अभी तक मेरा चिकन अच्छे से पका नहीं है, तो मैं फिर से इसे ढक के 10 मिनट तक पका लूंगी। ये देखिए, मेरा चिकन अब बनके तैयार है। अब हम लगाएंगे दम। मैंने पहले से ही राइस को 50%
बॉयल करके रख लिया था। अब बनाएंगे बिरयानी। ये देखिए, मैं नीचे के लेयर में चिकन डाल दी हूँ और थोड़ा सा चिकन का जो झोल रहता है वो डाली हूँ। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चावल। ये चावल को मैंने 50% बॉयल करके रखा था, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि जब हम बिरयानी बनाएंगे, दम लगाएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा चावल पकेगा। ये देखिए, उसके ऊपर मैं प्याज को डालूंगी। ये प्याज मैंने डीप फ्राई किया था। ये प्याज को उसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा चिकन और उसका झोल डाल दूंगी अच्छे से। उसके ऊपर मैं और एक लेयर चावल का डालूंगी। अच्छे से चावल को मैं डालूंगी उसमें। फिर एक लेयर हमारा चावल का हो गया है। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे एक लेयर फिर से चिकन का। ये देखिए, मैंने चिकन का लेयर डाल लिया है थोड़ा सा बस। उसके ऊपर थोड़ा सा और राइस का एक लेयर ऊपर का। ये फाइनल है, हो गया है अब मेरा ये। इसके ऊपर हम डालेंगे, मैंने प्याज को 5 से 6 प्याज को अच्छे से डीप फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था, उसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, इससे बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया का पत्ता और पुदीने का पत्ता। ये मैं धनिया और पुदीना का पत्ता को छोटे छोटे पीसेस में काट ली थी और उसे डाल रही हूँ। फिर बारी आती है, उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ना डालें, लेकिन फूड कलर डालने से बिरयानी बहुत ही अच्छा अच्छा सा कलर आता है बिरयानी का। अब हम डालेंगे डाबर का केवड़ा जल। ये जो केवड़ा जेल है, ये हम 2 ढक्कन डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। और हम दम लगाने के लिए आटा गूंदे थे और वही आटा को हम उसके ऊपर लगाएंगे, जैसे कि उसका हवा निकलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमें अच्छे से दम लगाना है। ये देखिए मैं किस तरह लगा रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगाना है। ये देखिए, मेरा अब तक पूरा नहीं हुआ है, दूसरे साइड अब मैं लगा रही हूँ। फिर हम अच्छे से दम लगाने के बाद इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, ऐसे ही चढ़ा देंगे और दम लगाने के बाद 10 मिनट हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में, ताकि वो अच्छे से धीरे धीरे हमारा जो चावल और जो चिकन है, केवड़ा जल का जो उसका खुशबू है, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मेरा रेडी है, अब इसे मैं चढ़ा लूंगी। अब मेरा 15 मिनट हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बिरयानी कैसे बना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं अपना दम निकाल ली हूँ, फिर भी थोड़ा सा आटा लगा हुआ है, मैं वो बाद में निकाल लूंगी। आप बिरयानी को देखिए, वो किस तरह दिख रहा है, कितना ही अच्छा, कितना टेस्टी दिख रहा है। आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो के साथ।